हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अहोत्री। जैसे मैंने कहा था कि गोला में जो भी कुछ घटे या बुरा घटे, सही घटे, मैं आपको बताऊं। आज मैं आपको उन शख्स से मिलाना चाहता हूं जो वाकई में अपने में एक नई क्रांति को लेके भी काफ़ी समय तक उन्होंने अच्छा लोगों के बारे में कहा। आज मेरा टॉपिक है अतीश चंद शुक्ला पे और 2 अक्टूबर पर। तो भैया जी ने मुझे फ़ोन किया, कहा यूट्यूब के माध्यम से मैं अतीश चंद शुक्ला को बधाई देना चाहता हूँ, और इसी के दौरान मैं कुमारन टोला गोकर्णनाथ वार्ड नंबर 3 में आज मैं महामंत्री व्यापार मंडल के शिवगोपाल दादा से मिलने आया हूं, और इसी दौरान मैं आपको उनसे इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। सर, आप 2 अक्टूबर के दौरान जो अतीश चंद शुक्ला के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र जी आपको। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का दिन मैं अपने देश के उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। गांधी जी ने आज़ादी तो दिलाई, उसके साथ उन्होंने बहुत चीज़ों का संकल्प हमें दिया। स्वच्छता हमारे जीवन, हमारे सब लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। स्वच्छ भारत का जो उनका सपना है वो हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है, क्योंकि जब हमारा घर साफ रहेगा, हमारी गलियां साफ रहेंगी, हमारा शहर साफ रहेगा, तो हम कई बीमारियों से बचते रहेंगे, और जब हम बीमारियों से बचते रहेंगे, हम निरोग रहेंगे, सबसे बड़ी बात है। जी, आपने बात सही कही है कि अगर स्वस्थ भारत अगर हमारे देश में चल जाए और हर इंसान इन चीज़ों को फॉलो करे तो वाकई में रोग दो कहीं पर से नहीं रहेंगे। ठीक है, आप बता दें, छोटी काशी गोला में एक अद्भुत कलाकार और भी निकला जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है, विश्व रिकॉर्ड, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गोला के बारे में क्या कहूँगा, ये तो पौराणिक रूप से शंकर जी का स्थान है जो वाकई में पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, और इसकी प्रसिद्धि में कई लोगों ने 4 चांद लगाए हैं। एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल हमारे गोला में है। उसके अलावा हमारे यहाँ नगर में विधायक भी हैं, सांसद भी रहे हैं, जिन्होंने वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके अलावा अभी हमारे शहर से थोड़ी ही दूर रेहरिया गांव के एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से यतीश चंद शुक्ला, वाकई में बड़ा नाज है, उन्होंने लॉन्गेस्ट मैराथन प्रतियोगिता में 148 घंटे बोलने के बाद नेपाल के 113 घंटे का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया, नाइजीरिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और गोला को जो है उन्होंने जो है एक नई पहचान देने का कार्य किया है कि इस छोटे से जिले में, छोटे से कस्बे में ऐसे भी लोग रहते हैं जो वाकई में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने जाते हैं। ठीक, देखिए अभी आपसे मैं बात शिवपाल भैया जी से करवा रहा था, उन्होंने गोला को हर प्रकार का टैलेंट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर अपने ट्वीट में या फेसबुक के द्वारा वो उत्साह बढ़ाते हैं और कहते हैं कि गोला में जो भी कुछ घटे, मैं चाहता हूँ मेरा युवा पीढ़ी आगे बढ़े। मैं इनको सलाम करता हूँ, जय हिंद।